पृष्ठ संख्या छियालीस विदाई संभाषण माय लॉर्ड अंत को आपके शासन काल का इस देश में अंत हो गया अब आप इस देश से अलग होते हैं इस संसार में सब बातों का अंत है इससे आपके शासन काल का भी अंत होता चाहे आपकी एक बार की कल्पना के अनुसार आप यहाँ के चिरस्थाई वायसराय भी हो जाते किंतु इतनी जल्दी वह समय पूरा हो जाएगा ऐसा विचार ना आपका था और ना इस देश के निवासियों का इससे जान पड़ता है कि आपके और यहां के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है जिस पर यहाँ वालों का तो क्या आपका भी काबू नहीं है विछड़न समय बड़ा करुणोत्पादक होता है आपको बिछड़ते देखकर आज हृदय में बड़ा दुख है माई लॉर्ड आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी प्रकार प्रसन्न न थे वे यही चाहते थे कि आप फिर न आवे पर आप आए और उससे यहां के लोग बहुत ही दुखित हुए वे दिन रात यही मनाते थे कि जल्द श्रीमान यहां से पधारें पर अहो आज आपके जाने पर हर्ष की जगह विषाद होता है इसी से जाना कि बिछड़न समय बड़ा करुणोत्पादक होता है बड़ा पवित्र बड़ा निर्मल और बड़ा कोमल होता है वैर भाव छूट शांत रस का आविर्भाव उस समय होता है माइलोड का देश देखने का इस दीन ब्राह्मण को कभी इस जन्म में सौभाग्य नहीं हुआ इससे नहीं जानता कि वहां बिछड़ने के समय लोगों में क्या भाव होता है पर इस देश के पशु पक्षियों को भी बिछड़ने के समय उदास देखा है एक बार शिवशंभू के दो गायें थी उनमें एक अधिक बलवाली थी वह कभी कभी अपने सींगों की टक्कर से दूसरी कमजोर गाय को गिरा देती थी पृष्ठ संख्या सैतालीस एक दिन वह टक्कर मारने वाली गाय पुरोहित को दे दी गई देखा कि दुर्बल गाय उसके चले जाने से प्रसन्न नहीं हुई वरंच उस दिन वह भूखी खड़ी रही चारा छुआ तक नहीं माई लॉर्ड जिस देश के पशुओं के बिछड़ते समय यह दशा होती है वहां मनुष्यों की कैसी दशा हो सकती है इसका अंदाज लगाना कठिन नहीं है आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए अंत में उनको जाना पड़ा इससे आपका जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं है तथापि आपके शासनकाल का नाटक घोर दुखांत है और अधिक आश्चर्य की बात यह है कि दर्शक तो क्या स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता था कि उसने जो खेल सुखांत समझकर खेलना आरंभ किया था वह दुखांत हो जाएगा जिसके आदि में सुख था मध्य में सीमा से बाहर सुख था उसका अंत ऐसे घोर दुख के साथ कैसे हुआ आह घमंडी खिलाड़ी समझता है कि औरों को अपनी लीला दिखाता हूं किंतु पर्दे के पीछे एक और ही लीलामय की लीला हो रही है यह उसे खबर नहीं इस बार बम्बई वर्तमान में मुंबई में उतरकर माय लॉर्ड आपने जो इरादे जाहिर किए थे जरा देखिए उनमें से कौन कौन पूरे हुए आपने कहा था कि यहाँ से जाते समय भारत वर्ष को ऐसा कर जाऊंगा कि मेरे बाद आने वाले बड़े लाटों को वर्षों तक कुछ करना ना पड़ेगा वे कितने ही वर्षों सुख की नींद सोते रहेंगे किंतु बात उल्टी हुई आपको स्वयं इस बार बेचैनी उठानी पड़ी है और इस देश में जैसी अशांति आप फैला चले हैं, उसके मिटाने में आपके पद पर आने वालों को ना जाने कब तक नींद और भूख हराम करना पड़ेगा इस बार आपने अपना बिस्तरा गर्म राख पर रखा है और भारतवासियों को गर्म तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया है आप स्वयं भी खुश ना हो सके और यहां की प्रजा को सुखी होने ना दिया इसका लोगों के चित्त पर बड़ा ही दुख है पृष्ठ संख्या 48। विचारिए तो क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे अलिफ लैला के अलहदीन ने चिराग रगड़कर और अबुल हसन ने बगदाद के खलीफा की गद्दी पर आंख खोलकर वह शान ना देखी जो दिल्ली दरबार में आपने देखी आपकी और आपकी लेडी की कुर्सी सोने की थी और आपके प्रभु महाराज के छोटे भाई और उनकी पत्नी की चांदी की आप दाहिने थे वह बाएं, आप प्रथम थे वह दूसरे इस देश के सब रईसों ने आपको सलाम पहले किया और बादशाह के भाई को पीछे जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे और सबसे ऊंचा था हौदा चवर छत्र आदि सबसे बढ़ चढ़कर थे सारांश यह है कि ईश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद इस देश में आप ही का एक दर्जा था किंतु अब देखते हैं कि जंगी लाट के मुकाबले आपने पटखनी खाई और सिर के बल नीचे आ रहे आपके स्वदेश में वही ऊंचे माने गए आपके स्वदेश में वही ऊंचे माने गए आपको साफ नीचा देखना पड़ा पद त्याग की धमकी से भी ऊंचे न हो सके आप बहुत ही धीर गंभीर और प्रसिद्ध थे उस सारी धीरता गंभीरता का आपने इस बार काउंसिल में बेकानूनी कानून पास करते और कन्वोकेशन वक्तृता देते समय दिवाला निकाल दिया यह दिवाला तो इस देश में हुआ उधर विलायत में आपके बार बार इस्तीफा देने की धमकी ने प्रकाश कर दिया कि जड़ हिल गई है अंत में वहां भी आपको दिवालिया होना पड़ा और धीरता गंभीरता के साथ दृढ़ता को भी तिलांजलि देनी पड़ी इस देश के हाकिम आपकी ताल पर नाचते थे राजा महाराजा डोरी हिलाने से सामने हाथ बांधे हाजिर होते थे आपके इशारे में प्रलय होती थी कितने ही राजों को मट्टी के खिलौने की भांति आपने तोड़ फोड़ डाला कितने ही मट्टी काट के खिलौने आपकी कृपा के जादू से बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए आपके इस इशारे में इस देश की शिक्षा पायमाल हो गई स्वाधीनता उड़ गई बंग देश के सिर पर आरह रखा गया आह इतने बड़े माई लॉर्ड का यह दर्जा हुआ कि फौजी अफसर उनके इच्छित पद पर नियत न हो सका और उनको उसी गुस्से के मारे इस्तीफा दाखिल करना पड़ा और वह भी मंजूर हो गया उनका रखाया एक आदमी नौकर न रखा उल्टा उन्हीं को निकल जाने का हुक्म मिला पृष्ठ संख्या उनचास जिस प्रकार आपका बहुत ऊंचे चढ़कर गिरना यहाँ के निवासियों को दुखित कर रहा है गिर कर पड़ा रहना इससे भी अधिक दुखित करता है आपका पद छूट गया तथापि आपका पीछा नहीं छूटा है एक अदना क्लर्क जिसे नौकरी छोड़ने के लिए एक महीने का नोटिस मिल गया हो नोटिस की अवधि को बड़ी घृणा से काटता है आपको इस समय अपने पद पर रहना कहाँ तक पसंद है यह आप ही जानते होंगे अपनी दशा पर आपको कैसी घृणा आती है इस बात को जान लेने का अवसर इन देशवासियों को नहीं मिला पर पतन के पीछे इतनी उलझन में पड़ते उन्होंने किसी को नहीं देखा माय लॉर्ड एक बार अपने कामों की ओर ध्यान दीजिए आप किस काम को आए थे और क्या कर चले शासक प्रजा के प्रति कुछ तो कर्तव्य होता है यह बात आप अवश्य मानते होंगे सो कृपा करके बतलाइए क्या कर्तव्य आप इस देश की प्रजा के साथ पालन कर चले क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ ना सुनने का नाम ही शासन है क्या प्रजा की बात पर कभी कान न देना और उसको दबाकर उसकी मर्जी के विरुद्ध जिद से सब काम किए चले जाना ही शासन कहलाता है एक काम तो ऐसा बतलाइए जिसने आपने जिद छोड़कर प्रजा की बात पर ध्यान दिया हो कैसर और जार भी घेरने घोटने से प्रजा की बात सुन लेते हैं पर आप एक मौका तो बताइए जिसमें किसी अनुरोध या प्रार्थना सुनने के लिए प्रजा के लोगों को आपने निकट फटकने दिया हो और उनकी बात सुनी हो नादिर शाह ने जब दिल्ली में कत्ले आम किया तो आसिफ जाह के तलवार गले में डालकर प्रार्थना करने पर उसने कतले आम उसी दम रोक दिया कैसर रोमन तानाशाह जूलियस सीजर के नाम से बना शब्द जो तानाशाह जर्मन शासकों नौ से छियासी तक के लिए प्रयोग होता था दो विशेष रूप से रूस के तानाशाह शासकों अर्थात सोलहवीं सदी से 1917 तक के लिए प्रयुक्त तो होता था इस शब्द का पहली बार बुल्गेरियाई शासक 913 के लिए प्रयोग हुआ था तीन सोलह सो 1688 से सत्रह से सैतालीस तक ईरान के शाह रहे अपने तानाशाही स्वरूप के कारण नेपोलियन और पर्शिया के नाम से भी जाने जाते थे पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली को नादिर शाह ने ही आक्रमण के लिए भेजा था पृष्ठ संख्या 50 पर आठ करोड़ प्रजा के गिरगिराकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया इस समय आपकी शासन अवधि पूरी हो गई है तथापि बंग विच्छेद किए बिना घर जाना आपको कतई पसंद नहीं है नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद्द है क्या समझते हैं कि आपकी जिद्द से प्रजा के जी में दुख नहीं होता आप विचारिये तो एक आदमी को आपके कहने पर पद न देने से आप नौकरी छोड़े जाते हैं इस देश की प्रजा को भी यदि कहीं जाने की जगह होती तो क्या वह नाराज होकर इस देश को छोड़ना जाती यहाँ की प्रजा ने आपकी जिद का फल यहीं देख लिया उसने देख लिया कि आपकी किस जिद ने इस देश की प्रजा को पीड़ित किया आपको भी उसने कम पीड़ा न दी यहाँ तक कि आप स्वयं उसका शिकार हुए यहाँ की प्रजा वह प्रजा है जो अपने दुख और कष्टों की अपेक्षा परिणाम का अधिक ध्यान रखती है वह जानती है कि संसार सब चीजों का अंत है दुख का समय भी एक दिन निकल जाएगा इसी से सब दुखों को झेलकर पराधीनता सहकर भी वह जीती है माई लॉर्ड इस कृतज्ञता की भूमि की महिमा आपने कुछ न समझी और न यहां की दीन प्रजा की श्रद्धा भक्ति अपने साथ ले जा सके इसका बड़ा दुख है इस देश के शिक्षितों को तो देखने की आपकी आंखों को ताब नहीं अनपढ़ गूंगी प्रजा का नाम कभी कभी आपके मुंह से निकल जाया करता है उसी अनपढ़ प्रजा में नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार का गीत गाया जाता है पृष्ठ संख्या इक्यावन एक बार अपनी विपद के कई साल सुल्तान ने नरवरगढ़ नाम के एक स्थान में काटे थे जहां चौकीदारी से लेकर उसे एक ऊंचे पद तक काम करना पड़ा था जिस दिन घोड़े पर सवार होकर वह उस नगर से विदा हुआ नगर द्वार से बाहर आकर उस नगर को जिस रीति से उसने अभिवादन किया था वह सुनिए उसने आंखों में आंसू भर कर कहा प्यारे नरवरगढ़ मेरा प्रणाम ले आज मैं तुझसे जुदा होता हूं तू मेरा अन्नदाता है अपनी विपत के दिन मैंने तुझ में काटे हैं। तेरे ऋण का बदला मैं गरीब सिपाही नहीं दे सकता भाई नरवरगढ़ यदि मैंने जानबूझकर एक दिन भी अपनी सेवा में चूक की हो यहाँ की प्रजा की शुभ चिंता न की हो यहां की स्त्रियों को माता और बहन की दृष्टि से ना देखा हो तो मेरा प्रणाम ना ले नहीं तो प्रसन्न होकर एक बार मेरा प्रणाम ले और मुझे जाने की आज्ञा दे माई लॉर्ड जिस प्रजा में ऐसे राजकुमार का गीत गाया जाता है उसके देश से क्या आप भी चलते समय कुछ संभाषण करेंगे क्या आप कह सकेंगे अभागे भारत मैंने तुझ से सब प्रकार का लाभ उठाया और तेरी बदौलत वह शान देखी जो इस जीवन में असंभव है तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा पर मैंने तेरे बिगाड़ने में कुछ कमी ना की संसार के सबसे पुराने देश जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी तेरी भलाई की इच्छा मेरे जी में न थी अब कुछ शक्ति नहीं है जो मैं तेरे लिए कुछ कर सकूं पर आशीर्वाद करता हूं कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से लाभ करे मेरे बाद आने वाले तेरे गौरव को समझें आप कर सकते हैं और यह देश आपकी पिछली सब बातें भूल सकता है पर इतनी उदारता माई लॉर्ड में कहा अभ्यास पाठ के साथ एक शिव शंभू की दो गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है दो आठ करोड़ प्रजा के गिर कर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा ध्यान नहीं दिया यह किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है पृष्ठ संख्या 52. 3. को इस्तीफा देना क्यों पड़ गया चार विचारिए तो क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे आशय स्पष्ट कीजिए पांच आपके और यहां के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है यहां तीसरी शक्ति किसे कहा गया है पाठ के आसपास एक पाठ का यह अंश शिव शंभू के चिट्ठे से लिया गया है शिव शंभू नाम की चर्चा पाठ में हुई है बाल मुकुंद गुप्त ने इस नाम का उपयोग क्यों किया होगा दो नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है कर्जन के संदर्भ में क्या आपको यह बात सही लगती है पक्ष या विपक्ष में तर्क दीजिए तीन क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ ना सुनने का नाम ही शासन है इन पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए शासन क्या है इस पर चर्चा कीजिए चार इस पाठ में आए अलीफ लैला अलहदीन अबुल हसन और बगदाद के खलीफा के बारे में सूचना एकत्रित कर कक्षा में चर्चा कीजिए गौर करने की बात का। इससे आपका जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं है तथापि आपके शासनकाल का नाटक घोर दुखांत है और अधिक आश्चर्य की बात यह है कि दर्शक तो क्या स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता था कि उसने जो खेल सुखांत समझकर खेलना आरंभ किया था वह दुखांत हो जाएगा ख यहां की प्रजा ने आपकी जिद का फल यही देख लिया उसने देख लिया कि आपकी जिस जिद ने इस देश की प्रजा को पीड़ित किया आपको भी उसने कम पीड़ा न दी यहां तक कि आप स्वयं उसका शिकार हुए भाषा की बात एक वे दिन रात यही मनाते थे कि जल्द श्रीमान यहां से पधारें सामान्य तौर पर आने के लिए पधारें शब्द का इस्तेमाल किया जाता है यहां पधारें शब्द का क्या अर्थ है दो पाठ में से कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं जिनमें भाषा का विशिष्ट प्रयोग हुआ है यह भारतीन्दु युगीन हिंदी के आधार पर है उन्हें सामान्य हिंदी में लिखिए पृष्ठ संख्या तिरपन क आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए अंत में उनको जाना पड़ा ख आप किस को आए थे और क्या कर चले ग उसका रखाया एक आदमी नौकर न रखा घ पर आशीर्वाद करता हूं कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से लाभ करे शब्द छवि चिरस्थाई यानी हमेशा रहने वाला या टिकाऊ करुणोत्पादक अर्थात करुणा उत्पन्न करने वाला दुखित अर्थात पीड़ित या जिसे कष्ट हो विषाद अर्थात दुख या उदासी आविर्भाव अर्थात प्रकट होना दुखांत अर्थात जिसका अंत दुखद हो सूत्रधार यानी जिसके हाथ में संचालन की बागडोर हो सुखांत यानी जिसका अंत सुखद हो लीला में, अर्थात नाटकीय सारांश यानी निष्कर्ष या निचोड़ पटखनी यानी चित्त कर देना तिलांजलि अर्थात त्याग देना पायमाल अर्थात दुर्दशाग्रस्त या नष्ट आरह यानी आरा अदना छोटा सा हेय विच्छेद यानी टूटना ताब यानी सामर्थ्य